मेरा नाम विशाल है और मैं हसी माँ के स्कूल में जाता हूँ। मेरी मम्मी बहुत मेहनती है और ना हिम्मत वाली है। मेरे मम्मी बोलते हैं कि हम तो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, मगर तू ज़्यादा पढ़े होता तो हम लोग से भी ज़्यादा नाम कमाएगा। तो मेरी मम्मी हम लोग की पढ़ाई में इसलिए इतना सपोर्ट दे रहा है कि क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको कभी पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उनको देखा है कि वो कोई ड्रेस उनको अच्छी लगती है पर वो नहीं लेती हैं कि क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा होता है, तो वो सोचती कि इतना प्राइस में अगर मैं वो अपने लिए ड्रेस लूँगी वही पैसे लगा के मैं अपनी बेटी के लिए कुछ और ले लूँगी। अगर मैंने कुछ कहा हो जैसे मुझे शूज़ चाहिए या कुछ और चाहिए तो वो पैसों का वो पहले मुझे चीज़ ला के देंगी, अपने लिए नहीं लेती हैं। उनकी ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूँ तो वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं, तो डॉक्टर के लिए अब मैं आगे जाऊँगी मेडिकल कॉलेज जाऊँगी तो उसके लिए पैसे चाहिए रहेंगे, बहुत पैसे, पर अभी तो इतने उनके पास नहीं हैं। तो उन्होंने लगा कि नहीं मुझे और काम करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी मतलब 8 घंटे छोड़ के वो 12 घंटे ड्यूटी करने लगी। उन्होंने सोचा कि नहीं चलो 12 घंटे भी कर रही हूँ तो क्या हुआ, पर वो संडे को भी काम करने लगी। तो जैसे कि मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं अगर डॉक्टर बन जाऊँगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी की होगी जब मुझे वो डॉक्टर बना हुआ देखेंगी। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं बनूँगी डॉक्टर। जब हॉस्पिटल में थी मैं तो मैंने देखी कि मेरी मम्मी मेरे लिए मतलब ना ही अपना लंच कर रहे थे ना ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, 2 दिन तक का मेरी मम्मा ने कुछ भी नहीं खाया था। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम मुझे इतना प्यार किया कि उसके बाद आज तक मैंने कभी अपनी मम्मी को ये नहीं बोला कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग की बात है कि मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी अपनी मम्मी को कि मम्मी आई लव यू, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। दीज आर स्टोरीज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदर्स, मदर्स हु हैव फॉट इम्पॉसिबल ऑड्स, mothers who take on adversity every single day only to give their children what they themselves could never have, a better future. Nivya's Mom's Touch salutes these caregivers and supports them with grocery for their households.